तस्वीरों में दिख रहे ये शातिर लुटेरे डकैती डालने जा रहे थे, मगर तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम में डकैती डालने जा रहे चौहान काले गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन आरोपी भागने में कामयाब रहे। मामला मुंबई के बोरीवली का है, जहां एक एटीएम में डकैती डालने जा रहे लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके पास से लॉक तोड़ने वाले सामान, पेचकस, पकड़, लोहे के अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि वक्त रहते जानकारी मिल गई और चौहान काले गैंग की ये आरोपी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। चौहान काले गैंग के दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं करण चौहान और प्रकाश, जबकि तीन आरोपी भागने में कामयाब हुए हैं, जिनके नाम हैं गोपी चौहान, गोविंद काले, राहुल काले। पुलिस ने बताया है कि इन फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले में आगे जांच पड़ताल भी जारी है। कस्तूरबा पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। अभी तो हक से बोल सकता हूँ शुभ दीपावली और हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिवाली में एक बहुत बड़ा हादसा होने से हम लोग बच गए। 21 तारीख को रात में हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि सर आज कुछ तो तुम्हारा एटीएम का या तो कुछ ज़बरदस्त लफड़ा होने वाला है। तो हमारी डिटेक्शन की टीम है, PSI वारुण कर और टीम, और भी हमने दो तीन स्क्वाड बना के राजेंद्र नगर में फुल फील्डिंग लगाई। लगभग 2:30 से 3 बजे के दरम्यान एक रिक्शा आई, हमारे लोग बाजू में खड़े थे दो 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 करके, और वो रिक्शा से उतरे और बराबर ATM के ओर चल रहे थे। तो थोड़ा अंदाज लिया ये और चोर के अलावा हम और किसी को तो कुछ तकलीफ ना दे रहे, तो बराबर ATM के पास जा रहे थे तो हमारे टीम ने उनको पकड़ा। जैसा एक यूनिफॉर्म का आदमी सामने आया तो वो भागने लगे, तो दो जन को हमने पकड़ा। एक नामचीन नाम है, आपने पहले भी सुना रहेगा, ये चौहान और काले, ये फेमस नाम है। वो बहुत तंग करते ऐसे ही आते चुपके से, और जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला था सर हम दिवाली में फटाके उड़ाने वाले थे लेकिन आपने तो हमें रोक दिया। से ये इस हिसाब से हमें एक बहुत बड़े हादसे से हम खुद बच गए और जनता की सेवा कर सके। पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या क्या, इनके ऊपर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं? जो पकड़े हुए चौहान गैंग है और काले गैंग है, ये इन्होंने मुंबई में कुछ किए हैं, उनका रिकॉर्ड मिला नहीं है अभी तक, लेकिन जरूर किए हैं। अकलूज और बाहर भी उन्होंने ऐसे प्रकार के हाथ से चोरी किए हैं। काले चौहान कहाँ के रहने वाले? ये ऐसे चिकुवाड़ी में उनके बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं और ये अकलूज साइड के है, वही साइड के हैं। वो एक जगह पे रहते नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, जब भी कुछ करने का वो झाड़ी मारते और अपना गेम बजा लेते हैं। क्या करने के लिए मुंबई में आए थे? बिल्कुल, उन्होंने हमारे इंक्वायरी में तो बोल दिया कि सर हमें तो आपने रोक दिया, हम तो दिवाली का हंगामा करने वाले थे, इधर फटाके फोड़ने वाले थे। तो क्या सर उनकी टीम में और भी लोग हैं जो यहाँ पे मुंबई में एक्टिव रहते हैं और ये बाहर से आकर के चोरी करके और फरार हो जाते थे? उनका MO है, वो आते हैं, उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल सीधा साधा धंधा करते हैं, हॉकर्स जैसा काम करते हैं, और वो ये धंधा बिजनेस करते करते बस हेर के रखते हैं कहाँ क्या है। उनका टीम है, वो अक्सर बाहर रहता है और जिस दिन उनका फिक्स प्रोग्राम है उसी दिन मुंबई में आके वो अपना गेम बदलते हैं। सर ये घटना को किस तरीके से अंजाम देते थे और किन लोगों को टारगेट ही ज़्यादा बनाते थे? नहीं ऐसा पर्सनली किसी को नहीं, वो ATM सेंटर और जहाँ उनको एक जगह पे ज़्यादा माल मिले ऐसे टारगेट।